पास कॉस्मोस में हमारे पास होता है लाइटिंग मिलती है फ्री में, तो उसको अप्लाई कर लेते हैं। SGRI लाइटिंग, डे लाइटिंग के यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड लाइक दिस अप्लाई कर दिया, लाइटिंग अप्लाई हो गई है, आ गई लाइट। राइट, तो अभी इसे मैं रेंडर करके देखता हूँ कि कैसा सीन बन रहा है यहाँ पर एक बार, फिर हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड कैसे बनता है, ठीक है। अब बोलोगे हाँ अभी इस पर बैकग्राउंड तो आ रहा है, पूरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें नज़र आ रही है। राइट, दिखाई दे रही है, मुझे समझ में आ गया, दिखाई दे रही है। तो अगर आपको नहीं देखना है, राइट, नहीं देखना चाहते, ठीक है, तो जो हमको ये जो मिला है ना, क्या बोलते हैं, जो भी लाइटिंग का इन्फॉर्मेशन मैंने लिया हूँ यहाँ पर, जो भी मेरा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड किस में है, मेरे इसके अंदर है, मैं इसको क्या कर दूँगा, इनविजिबल कर दूँगा, इनविजिबल लाइक इनविजिबल, यानी कि वो दिखेगा ही नहीं। तो अभी बैकग्राउंड मुझे दिखेगा नहीं, लाइटिंग आएगी और मेरे को बैकग्राउंड नज़र करनी है। देखो ब्लैक आ रहा है, दिखाई दिया ब्लैक आ रहा है, मगर लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ प्रॉपर वैसे जैसे है वैसे नज़र आ रही है, राइट, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रॉपरली, ऐसी आ रही है पूरी ब्लैक ब्लैक। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका ग्राउंड बना देता हूँ यार, ग्राउंड में थोड़ा सा हरा हरा हरियाली डाल देता हूँ, कुछ टेक्सचर डाल देते हैं, टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ इसमें, ग्राउंड टेक्सचर। एंड ड्यूरेबल मैपिंग कर लेते हैं, सरेंडर करके दिखाता हूँ। देखो ग्रासेस भी आ रहे हैं, ग्राउंड भी बन गई है, और ये भी ओवरऑल जैसा दिख रहा है अभी दिखाई दे रहा है। 1-1.5 मिनट में हाफ HD रेंडर हो जाएगा। अभी इसको जैसे कि अभी मेरा ये हो गया, अभी इसको मेरे को PNG में सेव करना है, तो बस क्लिक करो और इसको सेव कर लेते हैं PNG में। ये भी सेव कर लेते हैं PNG। अरे क्या नाम था, कैफ़े में लिए थे, कैफ़े, ओके। और PNG रख दिया एंड सेव। और PNG सेव करते टाइम पे इधर जब ध्यान देना है कि इधर पे आपका अल्फ़ा चैनल होना चाहिए मार्क, और इधर पे भी इसको ही चाहिए तो मार्क कर लो, ठीक है। और ओके 48 बिट पे चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि और भी ज़्यादा आपको कलर और भी ज़्यादा दिखेंगे उसमें, तो ओके कर लेता हूँ, फाइन। फिर अगर मैं इसको फोटोशॉप पे कुछ चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, बैकग्राउंड में कुछ अलग लगाना है, फ़ोटो लगाना है, बैकग्राउंड में क्लाउड लगाना है, तो सारे सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड कैसे दिख रहा है पूरा, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है इसके अंदर, बैकग्राउंड है ही नहीं है इसके अंदर, तो फिर ऐसे दिखेगा ना। इसके बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ और डालना है, कुछ और ऐड करना है, तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कैसे कैसे, जैसे इसके बैकग्राउंड में हमें कुछ चाहिए, कुछ अलग चीज़ चाहिए, तो बैकग्राउंड में हम लोग क्या डालना चाहते हैं, सेव एज इमेज, ओके। फिर इस इमेज को इसके बैकग्राउंड पे लगाना है, तो उस इमेज को यहाँ पर कर देता हूँ, प्लेस करता हूँ, और मैं जो डाउनलोड पे किया था डाउनलोड, वो इमेज को यहाँ पर लेके आते हैं। इसके ऊपर आ गया, राइट, तो ये जो मेरा है ये लेयर को मैं कर देता हूँ ऊपर, लाइक इसकी तरह, इसके बैकग्राउंड पे हमारे इस तरीके से, ऐड कर दिया, ओके। अब थोड़ा बहुत मैचिंग करने के लिए थोड़ा सा हम लोग कलर करेक्शन करना पड़ेगा इसके ऊपर, तो कलर करेक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शन कलर बैलेंस यूज़ कर सकते हो एक ही जैसा मैच करने के लिए। लाइक दिस, ओके। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल्स, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी आ जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।